और खबरों में आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर दौरे के दूसरे दिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए 9 महीने के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन पर ब्यूरोक्रेसी हावी है और जनता के काम नहीं हो रहे हैं। पेपर लीक केस को लेकर डोटासरा ने कहा कि ऐसे माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले तो सभी की ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं और जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, वो भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, उनको कोई पूछ नहीं रहा, उनकी कोई काम नहीं हो रहा है। इस सरकार का 9 महीने का कार्यकाल बिल्कुल फ्लॉप कार्यकाल है, किसी तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है। ये इनकी परीक्षाएं होने दो, अगर ये पेपर लीक नहीं होने देते हैं तो हम धन्यवाद देंगे। इस सरकार के अच्छा काम कोई करेगी तो हम भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि सबका उद्देश्य यही क्यों होना चाहिए, चाहे वो आम नागरिक हो, नेता हो, मीडिया हो, कि ऐसे गिरोह पनपे नहीं, इनको सख्त से सख्त सजा मिले और अंतिम व्यक्ति तक जिसने भी बेईमानी की है उस तक पुलिस पहुंचे, कानून पहुंचे और कानून के मुताबिक उनको सजा हो, इसमें किसी की कोई दो राय है ही नहीं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इन दिनों झालावाड़ जिले के दौरे पर हैं। वसुंधरा राजे ने दुर्गापुरा गांव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्रीकृष्ण पाटीदार के निधन पर उनके पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम में शिरकत की और शोक संतप्त परिवार वालों को ढांढस बंधाया। इस दौरान वसुंधरा राजे ने श्रीकृष्ण पाटीदार के साथ उनके लंबे राजनीतिक जीवन में किए गए कार्यों की भी सराहना की, उसे याद किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि 35 साल पुराना एक भाई का साथ छूट गया। वसुंधरा राजे श्री कृष्ण पाटीदार को याद कर भावुक भी हो उठी और नम आंखों से विदाई दी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई में जुटी है। सिरोही परिवहन विभाग में तैनात परिवहन निरीक्षक सुरेंद्र सिंह चौहान के घर एसीबी की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरेंद्र सिंह के सिरोही में किराए का मकान बताया जा रहा है। जयपुर की प्रॉपर्टी पर सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। एसीबी मुख्यालय की टीम आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई अहम दस्तावेज की जांच में जुटी है। एसीबी की कार्रवाई के दौरान न्यूज 18 राजस्थान सिरोही संवाददाता प्रतीक सोलंकी ने मौके से जायजा लिया। अधिक संपत्ति के मामले में लेकर परिवहन विभाग के निरीक्षक सुरेंद्र सिंह चौहान के घर पर एसीबी ने छापेमारी चल रही है। इसे देखा जाए तो यह यहां पर किराए के मकान में रहते थे और किराए के मकान में जो है कई दस्तावेज मिलने की भी सूचनाएं जो है प्राप्त हो रही है, लेकिन हालांकि पूरा विषय जांच का है। जांच के बाद ही कई अन्य तथ्यों को जांच में लेकर जो है इसका खुलासा किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सुरेंद्र सिंह चौहान के सिरोही के किराए के मकान और जयपुर के ठिकानों पर एसीबी की दबिश चल रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभी तक जाँच चल रही है, यह जाँच जो है शाम तक चलेगी और वही अगर एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि जाँच के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो कई दस्तावेज मिले हैं इनकी जांच की जा रही है और जांच के आधार पर ही तो इस मामले का खुलासा और जो है पुष्टि की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी। अगली खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा जिसके चलते सड़कों पर गड्ढे हो गए। कई जगहों पर कीचड़ की समस्या बनी हुई है। ऐसे में जयपुर में नगर निगम हेरिटेज के सीईओ अभिषेक सुराणा रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां ग्राउंड जीरो पर बारिश के दौरान सड़कों के गड्ढों, जलभराव, कचरे और अतिक्रमण के हालातों का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को तलब कर कोऑर्डिनेशन से तेज गति से काम करने की नसीहत दी। तो वहीं इस मौके पर न्यूज 18 से भी उन्होंने खास बात की। राजधानी जयपुर में नगर निगम की ओर से बरसात के बाद में जो डैमेज कंट्रोल है उसके लिए काम शुरू कर दिया गया, जिस हिसाब से निर्देश दिए जा रहे हैं उनकी पालना कितनी हो रही है। खुद सीईओ जो है ग्राउंड पर है नगर निगम हेरिटेज के अभिषेक राणा, सर ग्राउंड जीरो पर आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या स्थिति है, किस तरह से सुधार काम किया जा रहा है? देखिए अभी जो मेन हमारी प्रायोरिटी है कि एक तो बारिश के बाद जो डैमेज हुआ है सड़कों का और काफ़ी सारा जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डैमेज हुआ है, सीवर लाइन्स हैं, फुटपाथ्स हैं, डिवाइडर्स हैं, उनकी जल्द से जल्द मरम्मत हो और सारी एजेंसियाँ उसमें मिलकर काम करें, क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज हैं, नगर निगम, JDA, PWD, अलग अलग एजेंसीज हैं, मेट्रो, तो सबसे कोऑर्डिनेट करके किस तरह से काम हो। साथ ही जो स्वच्छता वाला भी जो कंपोनेंट है, क्योंकि सीवर मेंटेनेंस और स्वच्छता ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं,
तो जितने भी हमारे डिपो जो हमारे हैं उनको हम प्रयास कर रहे हैं बंद करें। कुछ हमारे परमानेंट जैसे इशूज़ हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पर भी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर जो पीछे ग्रीन वैली है यहाँ पर काफ़ी कचरा रहता है, काफ़ी गंदगी रहती है। तो क्योंकि शहर का ये एक तरह से एंट्रेंस पॉइंट एक कहेंगे, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं, सारे यात्री आते हैं, वो देखते हैं, तो जयपुर का परसेप्शन यहाँ से क्रिएट होता है। तो कैसे इसको हम थोड़ा सुधार सकते हैं, इसके लिए हम लोग अपनी टीम के साथ प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजधानी जयपुर में सीईओ खुद फील्ड विजिट पर हैं, जिस तरह से जयपुर का एक परसेप्शन है वो अच्छा बने और जो काम है वो सभी लोग मिलजुल करके करें, ताकि जयपुर शहर की जो खूबसूरत और स्वच्छ तस्वीर है वो उभर कर सामने आए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। शाहपुरा नगर पालिका में पार्षद को बैठने के लिए कर्मचारी द्वारा कुर्सी ना